मेरे साथ आशीष केलकर साहब इससे मौजूद हैं। आशीष शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सब मार्केट्स पे ये अब नए लेवल्स दिखाई देने, तो क्या माने तेजी बनेगी या फिर एक ट्रैप है? 9543 के लेवल पे हैं क्या? 9600 अब टचिंग डिस्टेंस पे लगता है आपको? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली 9600 एक टचिंग लेवल पे ही लगता है। जब तक हम जो पिछला हाई बना था 9532 का, जब तक इसके ऊपर टिके रहेंगे तो डेफिनेटली निफ्टी हम मार्च करते हुए देखेंगे 9600 को फ्लैग मार्क लगाने के लिए। चलिए राइट। और इनफैक्ट आज जिस तरीके से तेजी बन रही है सर, उसमें मेटल स्टॉक्स प्रोमिनेंटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली कमाई हो रही है। आपके रडार पर है क्या कोई स्टॉक, टाटा स्टील, वेदांत और हिंडाल्को में से? मेरे रडार पर टाटा स्टील है, क्योंकि परसों भी अपने ही शो में मैंने रेकमेंड किया था, करीबन 501 का मैंने टारगेट दिया था। और अगर हम देखते हैं तो टाटा स्टील ने 501 का जो लक्ष्य था वो भी हासिल कर लिया है। मैं मानता हूं कि ये जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। अगला जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 526 का, तो अभी भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 526 के लक्ष्य रहेगा और 499 का स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा। चलिए ठीक है। आप कुछ स्टॉक्स जो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन रहा है और जो सुबह से हम बात कर रहे हैं उसमें नतीजों का ट्रिगर है सर, सबसे पहले तो मन्नापुरम बना है, यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास का मुनाफा जो कंपनी रिपोर्ट कर दिया क्वार्टर फोर में, तेजी बन गई है 5% की, ये स्टॉक अभी और एक्टिव होता हुआ नजर आता है आपको क्या? मन्नापुरम का अगर हम चार्ट देखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, करीबन 93 और लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 98 का। हालांकि आज ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही हम इसको 98 के लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। जिनकी पोजिशन है वो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर अभी किसी को बाय करना है तो अभी भी बाय कर सकता है। 91.5 का स्टॉप लॉस लगाए 98 के लक्ष्य के लिए। राइट। एक स्टॉक है वेस्कोस पेपर, कल से काफी स्ट्रॉन्गली रिटर्न्स जनरेट कर चुका है, नतीजों का ही ट्रिगर है। वेस्कोस पेपर एक बार चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, 205 पे तो पहुंच चुका है, यहां से और कितना अपसाइड पोटेंशियल बाकी है? वेस्कोस पेपर अगर हम देखते हैं तो करीबन 204-205 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसमें जो पोटेंशियल है वो करीबन 209 का है। हमने अगर इसमें देखा तो इसने हाई 211 का बनाया था, 209 का ये टॉप जो जिसने बनाया है करीबन इन द मंथ ऑफ अप्रैल में इसने 209 का टॉप बनाया था, उसको छूके वो वापस नीचे आया है। तो नई पोजिशन अभी बनाने की सलाह मैं नहीं दूंगा, जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करके रखना चाहिए। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 199 का। नया पोजिशन अगर बनाना है तो 209 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर मिलता है तो ये नई पोजीशन बनानी चाहिए। क्रूड पे गिरावट, एविएशन चढ़ गया, कन्विक्शन है क्या सर जेट एयरवेज, स्पाइस जेट या फिर इंडिगो जैसे स्टॉक्स में अभी? अगर हम जेट एयरवेज या इंडिगो का चार्ट देखते हैं, इंडिगो का चार्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी उछाल हमने देखी है। करीबन ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, इंडिगो का स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन 1100 और लेवल पे, तो मैं मानता हूँ हाँ अभी भी इसमें पोटेंशियल है, इस स्टॉक में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। इसका जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 1130 रुपए का पहला लक्ष्य होगा। फिलहाल अगर इसको स्टॉप लॉस लगाना है तो 1080 का स्टॉप लॉस लगाए और 1130 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। चलिए पेंट कंपनियों पे भी राय दे दें, आज काफी स्ट्रॉन्गली एक्शन में है दोनों ही पेंट कंपनियां जो कि डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है, बर्जर और एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स हैवीवेट है, निफ्टी का भी हिस्सा है, यहाँ पर अब क्या और तेजी बन सकती है दोनों स्टॉक्स पे? एशियन पेंट ऑलरेडी 2.5% ऊपर आ चुका है, करीबन 1140 और लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका जो अगला रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 1160 रुपए का, तो यहाँ से 20 रुपए का मूव हम और यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन वो 1100 रुपए का स्टॉक है, 20 रुपए का मूव यानी सिर्फ 1.5% का यहाँ से ऊपर की तरफ ये होगा, तो नई पोजिशन इसमें तो बनानी नहीं चाहिए। दूसरा स्टॉक जो आपने कहा बर्जर पेंट में से, अगर हम इस का देखते हैं तो बर्जर पेंट का भी एक चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि यहां पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, फिलहाल ये स्टॉक 5% ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली यहां पे 255 के और लेवल पे हम इसको खरीद सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा हमें 250 का और लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है 262 का है।